हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। 8th क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज 9 अप्रैल 2020 के दिन हम फर्स्ट क्लास में जो किया था, फर्स्ट लेसन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इंट्रोडक्शन और RDBMS के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टिपिकल टेलीफोन डायरेक्टरी वुड कंटेन नेम्स, एड्रेस एंड फोन नंबर्स ऑफ मैनी पीपल। जैसे कि टेलीफोन की डायरेक्टरी में क्या क्या होता है, नेम्स होता है, एड्रेस होता है एंड फोन नंबर्स ऑफ मैनी पीपल्स। देयर आर सम RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट सच एज ओरेकल, MS एक्सेस, फॉक्स प्रो। वैसे ही RDBMS के सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। कैसे? ओरेकल, MS एक्सेस, फॉक्स प्रो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस आर स्टोर्ड इन ए सिंगल फाइल। डेटाबेस के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं। दीज आर मैनेज विद द हेल्प ऑफ ए डेटाबेस विंडो। डेटाबेस विंडो की हेल्प से इनको मैनेज किया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डेटाबेस। मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब। डेटाबेस के कौन कौन से हैं? टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। टेबल, ए टेबल कंटेन्स द एक्चुअल डाटा। जो अपना एक्चुअल डाटा है वो किस में होता है? टेबल्स में। MS एक्सेस स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट्स रोज एंड कॉलम्स। एंड MS एक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है रोज और कॉलम्स में सेव होती है, स्टोर होती है। रोज को नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड्स। एंड कॉलम्स को फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन ए टेबल names of all clients of a bank can be stored in one field with a field name as name. Thus all fields like name, account number, address and phone number together form the record of a particular client. For example, जैसे bank के client का record रखना है उसका, तो वो कौन सी field से शुरू होगा? Name का record रखना है तो name field से। अगर account number का record रखना है तो account number। एड्रेस है तो उसका एड्रेस वाली फील्ड में उसका एड्रेस आएगा और फोन नंबर वाली फील्ड में उसके फोन नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट है क्वेरी। ए क्वेरी इज यूज टू गेट ए रिकॉर्ड और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए क्वेरी का यूज करते हैं। इट फुलफिल्स सर्टेन कंडीशंस। ये हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको फुलफिल करती है। फॉर एग्जाम्पल, गेट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट नंबर 142 इज ए क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि पेशेंट नंबर 142 का सारा रिकॉर्ड है जो अपने पास आ जाए, ये क्वेरी लगा दी हमने, तो वो उस पेशेंट का, पेशेंट नंबर 142 का रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। ए फॉर्म इज लाइक फिलिंग ए ब्लैंक शीट वेयर द पर्टिकुलर्स आर टू बी फिल्ड बाई हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एप्लीकेशन फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन, MS एक्सेस अटैच ए फॉर्म टू ए टेबल एंड स्टोर द डेटा दैट पुट इन द फॉर्म इन टू द टेबल। फॉर्म फिलिंग क्या है? एक ब्लैंक शीट होती है जिसमें हम पर्टिकुलर जो फील्ड हैं हैंड से फिल करते हैं। जैसे कि अपना एडमिशन फॉर्म हो गया, हैंड से ही सारी उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं ना। तो फॉर्म में क्या होता है, MS Excel अटैच ए फॉर्म टू ए टेबल, टेबल के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। जैसे जैसे हम फॉर्म में फिल करते हैं अपना डेटा, वैसे वैसे वो टेबल में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है अपना रिपोर्ट। MS Excel अलाउ अस टू डिजाइन रिपोर्ट्स इन द कन्वेंशन वे। कन्वेंशन मीन्स सिंपल और सरल वे। दीज रिपोर्ट्स आर मेंट टू बी प्रिंटेड जस्ट एज फॉर्म्स आर मेंट टू बी व्यूड ऑन द स्क्रीन। आई होप आपको समझ आया होगा, इतना अच्छे से समझा होगा आपने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।